2019 में जब सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया, किसी भी मुसलमान समाज की ओर से, किसी भी युवा की ओर से इसके ऊपर प्रतिक्रिया नहीं हुई, कोई भी कहीं अहिंसा या वायलेंस नहीं हुई। तो ये एक सबसे बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है कि जो सह अस्तित्व की बात होती है, जो साझा इतिहास, साझा संस्कृति, साझा सभ्यता की बात होती है, किस प्रकार से मुसलमान समुदाय भी आज इस समय देश में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भागीदार है। जो जन कल्याण की बात हो रही है, जो सबके साथ मिलकर आगे तरक्की की बात हो रही है, आज उस जश्न में भी मुसलमान समाज मिलकर आगे से आगे बढ़कर इस चीज जश्न में सबको बधाइयां और शुभकामनाएं दे रहा है। आगे का रास्ता देखिए, सिर्फ बातों के साथ नहीं होगा, आगे का रास्ता बेहतर तरक्की के साथ, बेहतर बदलाव के साथ होगा। और उस रास्ते के लिए भी ये हम मुसलमान समाज पूरा तैयार है। उतार चढ़ाव राजनीतियां चलती रहती हैं, लेकिन जो आम व्यक्ति है, जो आम इंसान है, उसको केवल अच्छाई का रास्ता चाहिए, उसको केवल वो सरकार चाहिए जो नैतिक आधार पर सदा सबके साथ समान व्यवहार करे, और जो जिस प्रकार से एक साझा सार्वभौमिक चेतना की आज हम ये बात कर रहे हैं, ये साझा चेतना जो है उसमें मुसलमान समुदाय हर समाज के साथ, देश के हर युवा वर्ग के साथ, हर समुदाय के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो गंगा जमुनी तहजीब का विचार है उसको रख रहा है। क्योंकि अगर आप इतिहास को भी देखें, आप तारीख को भी समझें, तो किस प्रकार से रामायण का ग्रंथ हमें उर्दू में भी मिलता है और फारसी में भी मिलता है।